नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो लीडर है वो है HDFC बैंक, एंड HDFC बैंक का प्राइस में लास्ट कुछ मंथ से लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एंड लास्ट कुछ दिनों से बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का किंग है HDFC बैंक, अगर एक सर्टन लेवल के आसपास स्टॉक का प्राइस मिल जाता है वो हमारे लिए लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड रहेगा। देखिए, जब भी HDFC बैंक का प्राइस एक सर्टन लेवल के आसपास आ गया है हिस्टोरिकली, वहाँ पे हमेशा से उसी लेवल के आसपास प्राइस को रिवर्सल देखने को मिल रहा है। वो लेवल क्या हो सकता है डिटेल्स में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, HDFC बैंक जैसा दिग्गज बैंक का हमको फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो स्मॉल कैप में जाकर करना है, मिड कैप में जाकर करना है, जहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि FIDI उनका 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ उस टाइप का इन्वेस्टमेंट है, हम वहाँ पे उसका फंडामेंटल में घुसकर कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। तो सिंपली अभी हम उसका नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। 2018 में इसका नेट प्रॉफिट क्या था एंड 2023 में क्या है। अगर आप मार्च 2018 में इसका देखेंगे ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट था 18,561 करोड़ का, एंड 2023 में कितना है, 46,149 करोड़ का। देखिए, लगातार यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उतना ही काफ़ी है। एंड बाकी जो एनालिसिस वो FI को करने दीजिएगा, फंडामेंटली जो भी छोटा मोटा रेशियो है, ये रेशियो वो रेशियो, वो दिग्गज इन्वेस्टर को करने दीजिएगा, हमारा काम वो नहीं है। ओके, अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है HDFC बैंक का, और यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ मंथली, देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन जा रहे हैं ना, ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। कितना पीरियड का, मंथली टाइम फ्रेम में जो पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ 30 सिंपल मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम में। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस, देखिए जब भी जो 30 मूविंग एवरेज है ना, जो 30 सिंपल मूविंग एवरेज है मंथली पीरियड में, प्राइस उसके आसपास नहीं तो उसके नीचे जब भी आया है ना, वहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे 2005 में देखेंगे, 2009 में देखेंगे, 2012 में देखेंगे, 2013 में देखेंगे, 2017 में देखेंगे, 2020 में देखिएगा, एंड 2021 में देखिएगा, जब भी प्राइस आकर उसी मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, उसी लेवल से देखिए लगातार बाइंग देखने को मिल रहा है। एंड क्लियर कट देखिए, प्राइस अभी उसी लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से इमिडिएटली रिवर्स हो सकता है, शायद इस टाइप का नीचे भी थोड़ा आ सकता है, लेकिन अगर नीचे आएगा वहाँ पर हमको ऐड करना है, ना कि सेल कर देना है। देखिए, हिस्टोरिकली जिस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है, प्राइस जब भी इस मूविंग एवरेज का नीचे आया है ना, उसके बाद जाकर प्राइस को रिवर्सल देखने को मिलता है। एग्जैक्टली अगर और थोड़ा नीचे आ जाएगा तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ओके, ये तो हो गया मंथली चार्ट स्ट्रक्चर। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि कौन सा लेवल मेजर सपोर्ट बन रहा है अभी के लिए। जैसे कि देखिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे था HDFC बैंक के लिए, वो था 1300 के आसपास। देखिए, प्राइस जब भी ना इस लेवल को टेस्ट किया है, प्राइस को वहाँ से सप्लाई आया था, एंड ये था लाइफ हाई प्रीवियसली। प्राइस उसको वहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आज पर द प्राइस एक्शन वही लेवल देखिए यहाँ पे बन गया है सपोर्ट। लेवल क्या है, 1300, इस लेवल के ऊपर फोकस कीजिएगा। एग्जैक्टली अगर आगे आने वाले टाइम में प्राइस इस लेवल को टेस्ट करता है 1300, ये सबसे बेस्ट लेवल रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट इन HDFC बैंक, अगर उसी लेवल के आसपास आ जाएगा, क्योंकि जो 1300 लेवल वो हो गया अभी के लिए मल्टी ईयर का सपोर्ट। देखिए, अभी के लिए नो डाउट आपको होल्ड करना चाहिए, अगर फ्रेश एंट्री करना है ये बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप छोटा छोटा क्वांटिटी करके डिफरेंट प्राइस में एवरेज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर लो रिस्क है आपका तो आपके लिए बेस्ट रहेगा 1300 के आसपास, जो कि मल्टीयर का सपोर्ट। ये हो गया प्राइस एक्शन। अभी हम चलते हैं रेशियो चार्ट के ऊपर, HDFC बैंक वर्सेस बैंक निफ्टी। देखते हैं कि रेशियो चार्ट में किस टाइप का अभी हमको सेटअप दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने अभी HDFC बैंक वर्सेस बैंक निफ्टी का रेशियो चार्ट ओपन हो गया है, एंड टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया हो मंथली। देखिए, स्लोली स्लोली प्राइस देखिए उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आ रहा है।
इसका मीनिंग क्या है, अगर प्राइस ये जो लेबल है ना, जो ब्लू लाइन जा रहा है उसी लेबल को ट्रेस्ट करेगा, वहां से HDFC बैंक बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे हिस्टोरिकली प्राइस जब भी देखिए इस ब्लू लाइन के आसपास गया है, प्राइस को आउट परफॉर्म देखने को मिला है। एग्जैक्टली जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस ब्लू लाइन को टेस्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस लेबल से रिवर्सल आ सकता है। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखिए और थोड़ा नीचे जाने में स्पेस है, अगर इसी स्पेस को यहाँ पे फिलअप कर लेता है, प्रोबेबिलिटी हाई यहाँ से रिवर्सल आ सकता है एंड आने वाले टाइम में इस स्टॉक का प्राइस शायद डबल या ट्रिपल हो सकता है। क्वालिटी को बाय कीजिएगा डिस्काउंट प्राइस में, वो सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइस करेक्शन कर रहा है और थोड़ा नीचे आएगा तो ऐड कीजिएगा एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में रिवर्सल आ सकता है। लीडर लीडर हमेशा से रहता है, बस आपको करेक्शन में परफेक्ट मल्टीयर का सपोर्ट नहीं तो स्ट्रॉन्ग बेस के आसपास एंट्री करेंगे तो लो रिस्क हाई रिवार्ड बनेगा। मैं आशा करता हूँ हम डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।